जीएसटी रजिस्टर्ड ऐसे काफी बिजनेस ओनर्स हैं जो काफी आइटम्स खरीदते समय अपना जीएसटी नंबर लगा देते हैं क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर उनको 10,000 का फोन लेना है और उस पर 18% का जीएसटी लग रहा है तो मतलब फोन का प्राइस हो गया 11,800 रुपए, तो वो इसको बिजनेस परचेज दिखा के 1,800 रुपए का क्रेडिट ले लेते हैं। बट वो ये भूल जाते हैं कि फोन एक कैपिटल गुड है और कैपिटल गुड को अपनी बुक्स में 5 साल मिनिमम रखना पड़ता है। तो मान लो उन्होंने 2.5 साल बाद ही अपना फोन बेच दिया तो उनको कुछ ITC का पार्ट रिटर्न करना पड़ेगा सरकार को। अब वो कैलकुलेट कैसे होगा? जो भी प्राइस पे आपने फोन बेचा, लेट्स से 5,000 रुपए पे, उस पे 18% जीएसटी लिया होगा, मतलब 900 रुपए। ये 900 रुपए या फिर पूरे 5 साल में उन्होंने जो जीएसटी का क्रेडिट अवेल नहीं किया, यानी 2.5 साल का जीएसटी, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना अमाउंट वापस करना पड़ेगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैपिटल गुड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड क्विक पेरोल ऐप डाउनलोड करके अपनी एम्प्लॉइज मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं।